आज के एपिसोड में हम देखेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं स्कूल में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, ठीक है। मैं पीछे के लड़कों से बात ही नहीं किया करता था, मैं उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ करता था। ये तो सनसनी केस कवर है कि राज पासवान क्रिकेट खेलता ही नहीं था। दोस्तन के जरिए थिएटर में जाके देखे ला होता बहुत ज्यादा ठीक लागे ला। अच्छा वही तो अच्छा मजा आया। दोस्तन जोरे देखे एक अलग मजा हुआ। তাই জন্য আমরা মাছ ভালো লাগে। দিদি আমার কি একটা চিংড়ি মাছের কি একটা হয় বলিউড একট্রেস আর আপকো বলনা হ্যাঁ কিসকে সাথ আপ রিলেশনশিপ মে রহোগে কিসকে সাথ আপ किस करोगे एंड किसके साथ आप मैरी करोगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं राज पासवान। सब्सक्राइब करें theworldcricket.com को और बेल आइकॉन को प्रेस करें रेगुलरली मैचेस और अपडेट देखने के लिए। तो स्वागत है दोस्तों आपका द वर्ल्ड क्रिकेट डॉट कॉम में और हमारा पहला बंगाल टेनिस क्रिकेट का वेब शो द लॉकडाउन शो में। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त किशोर कुमार बैनर्जी और मेरे साथ मेरे सह होस्ट आदित्य कुमार पांडे। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य जुड़ चुका हूं आपके शो के साथ द लॉकडाउन शो। तो पिछले जो एपिसोड है वो पिछले एपिसोड में हमने अंकुर सिंह का इंटरव्यू लिया था, मुंबई के टेनिस प्लेयर अंकुर सिंह का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करें और आप वो वीडियो देख सकते हो। और पिछले जो एपिसोड है अंकुर सिंह वाला एपिसोड का ही बात कर रहे हैं, वहां से हमें कुछ कमेंट्स मिले हैं दर्शक लोगों का, तो वो हम पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना मोबाइल ले लेता हूं। तो पहला जो कॉमेंट एक आया है वो है सुकल्प पात्र की तरफ से, ग्रेट एपिसोड, एगिए चलो बंगाल टेनिस क्रिकेट, थैंक्स द वर्ल्ड क्रिकेट डॉट कॉम। और साथ ही मोहम्मद संजय खान लिखते हैं कि गुड स्टार्टअप, थैंक्स आदित्य एंड बैनर्जी जी फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑन टेनिस क्रिकेट प्लेयर, कीप गोइंग ऑन हम सब। तो और दो जो कमेंट है वो आदित्य पढ़ेंगे। तीसरा मैसेज जो आया है, कमेंट जो आया है वो है स्वदीप सिंह का। उन्होंने लिखा है, दिस इज गुड थिंग फॉर प्रमोटिंग टेनिस क्रिकेट एंड प्लेयर्स, अंकुर दादा इज द बेस्ट कैप्टन एंड टेनिस क्रिकेट प्लेयर, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ हिम, लव यू दादा। वो है सुमंतो चटर्जी का, उन्होंने लिखा है नाइस शो। तो दोस्तों आपका जो ये रिसेप्शन या एप्रिसिएशन आपकी तरफ से जो हमें मिल रहा है तो उसके लिए थैंक यू हमारे दिल से। तो आज और इंतजार न करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाते हैं। ज्यादा इंतजार न करते हुए बुलाते हैं हमारे तीसरे मेहमान, प्रिंस ऑफ बंगाल टेनिस क्रिकेट राज पासवान। थैंक यू भैया, थैंक यू। सबसे पहले वेलकम टू theworldcricket.com एंड वेलकम टू शो। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है ये शो। मैं देखा बहुत सारा, दो एपिसोड मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कुछ और मजा होने वाला है आगे। हाँ होगा, वो तो होना ही। सबसे पहले एक बात पूछना चाहूंगा, बोलिए। कोलकाता में रह के आपने इस शो में आने में बहुत समय लगा दिया। आदित्य भैया, मैंने आपको पहले बोला था कुछ वजह था, इसकी वजह से मैं आपको बताया था शायद, इसीलिए शायद लेट हो गया, वरना मैं पहले ही आ जाता, पहले या दूसरे एपिसोड में मैं आ जाता, आप बोले थे भैया। हाँ ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो भैया जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपका? लॉकडाउन तो वो अच्छा चल रहा था, बट अभी वो जब से ये ईद का ये जो 20 तारीख के बाद से जो चालू है तो थोड़ा सा जो पुलिस है वो सारे हम लोग को थोड़ा छूट दे रहे हैं, सारे मैदान जा रहे हैं। अच्छा। और अभी ऐसा है, थोड़ा सा छूट दिया हुआ है, सब मैदान जा रहे हैं, मैच वैच खेल रहे हैं, तो अभी ठीक है। पहले तो एकदम पूरी लॉकडाउन था, रेड जोन था अपना एरिया, दिक्कत हो रहा था, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, एक टाइम निकलना था वैसा, तो अभी सारा सही है। तो अभी आप बोले कि आप मैच खेल रहे हैं,
तो लॉकडाउन में मैच खेल रहे हैं। मैच मतलब क्या प्रैक्टिस? हाँ मैच मतलब वो अभी दो दिन से वो ईद भी था शायद, तो उसकी वजह से वो हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए थे कि मतलब ऐसे खेल सकते हो ऐसा कुछ, तो हम लोग गए थे दो दिन मैच खेलने गए थे। अच्छा मतलब टूर्नामेंट टाइप का या फिर प्रैक्टिस मैचेस? ऐसे ही मैच है। तो इसी में पूछना है कि नॉर्मली जो लॉकडाउन के पहले जैसा आपका फिटनेस रिजीम रहता था, जो भी एक्सरसाइजेस जो भी कुछ करते थे आप, ठीक है लॉकडाउन के चलते तो रेस्ट्रिक्शंस बहुत लग चुके हैं, तो इस समय पे आप इस फिटनेस जो कर रहे थे आप, वो सारी चीजों को कैसे कर रहे हैं, मेंटेन कैसे कर रहे? अभी वो अभी क्या हो रहा है कि लॉकडाउन है तो बाहर निकलना तो मुश्किल था, तो सुबह जाते थे ग्राउंड रनिंग वनिंग करते थे, वहीं पे थोड़ा सा पुशअप वुशअप या ऐसा कुछ करते थे, और घर में जो रहते थे तो शाम के टाइम स्क्वाड स्क्वाड या वही फिटनेस करते थे, घर में जो करना होता वह एप्स का वही सारा कुछ करते थे। अब बाहर तो निकल नहीं पा रहे तो फिर वैसा कुछ हो नहीं रहा, पर फिर भी ट्राई कर रहे अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। तो लॉकडाउन में घर पे कर क्या रहे थे भैया? घर में क्या कर रहे, सुबह सुबह उठते थे मैदान जाते थे रनिंग करके वापस घर, फिर पीसी ऑन करके गेम खेलना, बैटिंग करना और क्या। हाँ गेम भैया क्या बोलते टाइम कटता है, बहुत मजा आता है गेम में, मैं खेलता रहता हूँ इसलिए मजा आता है। सुना कि आप ऑफ टाइम में अभी लॉकडाउन में पीसी में पबजी खेल रहे थे? पबजी पीसी में तो खेलता हूँ भैया, मोबाइल में भी है, खेलता हूँ भैया, बहुत मजा आता है, खेलता हूँ बहुत अच्छा लगता है, टाइम अच्छा कटता है। तो नशा कैसा है पबजी का, नशा कैसा है? वो तो आपको ही पता होगा भैया, क्या बोले एडिक्टेड, हाँ, एडिक्टेड है सारे, दो ऑप्शन की तरह है, पकड़ लीजिए दो ऑप्शन, हाथ में बैट दे दूं या पबजी का पकड़ के दे दूं हाथ में, कौन सा लोगे? हाँ एकदम, बैट दे दूं, ओरिजिनल क्रिकेट खेलना है या पबजी खेलना है? क्रिकेट खेलना ओरिजिनल, पबजी ये तो अभी लॉकडाउन की वजह से ज्यादा एडिक्टेड हो गया, लेकिन आउटडोर गेम ज्यादा अच्छा है। तो भैया अपने बचपन के बारे में थोड़ा अगर हमारे फैंस और दर्शकों को बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बचपन के बारे में, आपका जन्म कलकत्ता में हुआ है? मेरा जन्म एक्चुअली में बिहार में हुआ था, पर सारे फैमिली यहाँ पे आ गए थे तो मैं यहीं पे रह गया, बचपन से यहीं पे हूँ, पढ़ाई वढ़ाई सारी यहीं पे हुई। बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोलकाता में हुई? हाँ हमारे तो सारा क्वालिफिकेशन यहीं पे हुआ। हमारा भी सेम है, यही बंगाल में हुआ, इसीलिए आदित्य भाई से हम लोग का जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है, बातचीत बहुत अच्छा होता है। वो तो बस आप लोग का मेहरबानी है। नहीं भैया ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग के माध्यम से मेरे हिसाब से बंगाल टेनिस आगे जाएगा और जा रहा है, होप्सो ऐसा हो। तो इसी पे जो सवाल था वही बचपन वाले सवाल पे ऐड करते हैं, जैसे कि आप इतने ओबीडिएंट, इतने सीधे साधे तरीके से आप जवाब देते हो, बिहेव करते हो लोगों के साथ, ये बचपन से ही कैरेक्टरिस्टिक्स था या फिर बड़ा होते होते धीरे धीरे आया आपने? नहीं मैं भैया मैं आपको बताता हूँ, आपका एक खासियत है ये मैं बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप बहुत अच्छे हो एज ए बिहेवियर जो आपका है। वो भैया मैं देखिए ये जो मैं आपकी बात बोलना चाहता हूँ, ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं इंसान से अपने मैं जिसे रिएक्ट करता हूँ या मेरे को जैसा रिएक्शन चाहिए किसी के थ्रू तो मैं उससे वैसे ही मिलता हूँ, तो ये तो आपका नेचर वाइज हो गया कि आप किसे कैसे मिलते हो। और रहा बात ये टेनिस क्रिकेट, ये तो भैया टाइम टाइम का बात है, इसको आप साइड में रखो, पहले आप ह्यूमन बन जाओ ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बातचीत ये तो सब अपने ऊपर है। तो बचपन में जितने दोस्त महीम थे आपके स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ में, क्या आप उन लोग के साथ आज भी टच में हो या फिर थोड़ा कनेक्शन कटा है बिजी होने के कारण? क्लास 5 या 6 के जो मेरे सारे दोस्त यार थे वो उनसे अभी कांटेक्ट वैसा कुछ खास है नहीं, बट अभी जो 8 के बाद या कॉलेज के जितने फ्रेंड्स हैं उनसे मैं हमेशा टच में रहता हूँ, हमेशा फेसबुक में है, बातचीत हमेशा होती रहती है, आके मिलते मिलते रहते हैं, सब अपने लाइफ को अपने बताते कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ एक ही बात की भैया ये मेरा पैशन है, मेरे को कोई प्रेशर नहीं है, मेरे को खेलना अच्छा लगता है इसीलिए मैं खेलता हूँ। मिलते हैं सारे, मिलते हैं भैया कोई दिक्कत नहीं, सारे सबके साथी मिलते हैं। तो क्रिकेट की तरफ रुझान आपका कब से आया था, बचपन से ही आ गया था क्रिकेट की तरफ या बड़े होके कुछ ऐसा? मैं आपको बताता हूँ क्रिकेट में वैसे कुछ खास खेलता नहीं था, मैं क्लास 10 के बाद
एक स्टोरी है कि क्लास टेन के बाद ये तो सनसनी खेज खबर है कि राज पासवान क्रिकेट खेलता ही नहीं था। नहीं खेलते थे भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता ही नहीं था। क्लास टेन के बाद मेरे स्कूल का एक टीम बन रहा था, तो सब मेरे जो मेरे मेरे बेंच के दोस्त यार थे वो लोग सारे मतलब जा रहे थे कि भाई मैं तो सिलेक्टेड हो जाऊंगा ये वो, तो मैं भी गया ट्राई किया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं बोला कि क्यों नहीं हुआ, मतलब उस टाइम भी क्या होता था कि मतलब जो मॉनिटर हुआ करता था वो जो सेलेक्ट करता था वही टीम जाती थी खेलने के लिए, तो मॉनिटर से वैसे मेरा कोई कॉन्टेक्ट या टचअप नहीं था तो मैं सिलेक्टेड नहीं हुआ। तो मेरे मन में बात आया कि अरे मैं भी खेल पा रहा हूँ, मेरे को नहीं लिया, अब मैं इन लोग से अच्छा खेलूंगा या ऐसा कुछ। फिर मैं वहां से थोड़ा बहुत मैच वैच मेरे पारे के दोस्त यार लूलने से खेलना स्टार्ट किया, उसके बाद भैया थोड़ा ये हुआ, फिर मैं उनको मैच खेला उनके अगेंस्ट में, उनको हराया, फिर उनको लगा कि नहीं ये भी खेल सकता है। फिर इलेवेंथ क्लास में वो मुझे अपने टीम में ले लिया, यही जर्नी स्टार्ट है, ऐसे जर्नी स्टार्ट हुआ था मेरा। तो आप अभी बोल रहे हैं कि आप अब बेंच, आप बोल रहे थे कि आपके जो बेंच के सहयोगी दोस्त लोग थे सब कोई मिलके खेलते थे, तो मैं एक बात जानना चाहूंगा कि राज पासवान स्कूल के दौरान लास्ट बेंच में बैठते थे या फर्स्ट बेंच में बैठते थे, मतलब लास्ट बैक बेंचर्स थे या फ्रंट बेंचर्स? मैं आपको बताऊं कि मैं स्कूल में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, ठीक है, मैं पीछे के लड़कों से बात ही नहीं किया करता था, मैं उनसे कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ करता था, ठीक है। मैं फ्रंट पे बैठता था, मतलब जो बोलते हैं ना कि स्टूडेंट जो होता है जो क्लास का अच्छा स्टूडेंट या पढ़ाकू स्टूडेंट ऐसा टाइप, वो सामने बैठता है। हाँ सामने बैठता है, और मैं जहाँ पे रहता हूँ जो मतलब पकड़ लीजिए बागी थ्री का रितेश देशमुख है आप नहीं वैसा कुछ नहीं, मत मतलब मैं बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा था कि मतलब मैं मतलब जो पढ़ाकू लड़के उनसे ज्यादा दोस्ती था, इसीलिए तो मैं शायद क्रिकेट में उतना अटैच नहीं था। जब क्लास टेन में गया तो क्या हुआ कि पीछे के दोस्त लोग जो थे उन लोग से मैं थोड़ा कांटेक्ट में होने लग गया, तो वो लोग मतलब जाने लग गए, फिर वैसे करके भैया सब कुछ हुआ। तो देखिए अच्छा हुआ कि आपका अच्छा हुआ बैक बेंच, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी कभी बैक बेंचर से भी मिलना चाहिए। हाँ हाँ ये तो है, बैक बेंचर से हमेशा मिलना चाहिए, अच्छे है सारे। और अच्छा हुआ कि आपको बैक बेंचर्स लोग का हवा लग गया, तो आज हम लोग राज पासवान को इस तरह देख पा रहे हैं, नहीं तो पता नहीं हम लोग राज पासवान को किसी और फील्ड में देखते हुए। हाँ ये तो है, दोस्तों के साथ मिला हुआ इसीलिए शायद ऐसा हुआ है। मैं थैंक यू बोलूंगा उस मॉनिटर का जिन्होंने मुझे अपने टीम में सेलेक्ट नहीं किया था, अगर सेलेक्ट कर लेते तो शायद इतना इंथू नहीं रहता कि मतलब क्रिकेट के प्रति मेरा इतना इंथू नहीं रहता। अच्छा हमें पता चला है कि आप फुल हैंड क्रिकेट जो है उसे छोड़ के आप टोक्का क्रिकेट भी खेलते हो, तो टोक्का क्रिकेट का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि ये बंगाल टेनिस क्रिकेट का ही एक दूसरा वर्षन है, जैसे कि शॉर्ट हैंड है, टोक्का है, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस है टोक्का में आपका? मैं आपको बताता हूँ, जो शॉर्ट टर्म मैचेस होता है या शॉर्ट टर्म टूर्नामेंट होता है वो फुल हैंड टूर्नामेंट से पूरी तरह से डिफरेंट है, ठीक है भैया। वहाँ पे वो मेरे को लगता है वो ज्यादा टफ क्रिकेट है फुल हैंड के, मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो ज्यादा टफ क्रिकेट है, क्योंकि वहाँ पे सिक्स होता नहीं, सबसे पहली बात चौके मारने होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ही टफ होता है। तो मैं भैया वो खेलता हूँ अपने मतलब जो मेरे एरिया के लड़के हैं वो जो मैच वैच खेलते हैं या फिर टूर्नामेंट खेलते हैं उनके साथ जाता हूँ खेलने के लिए, पर बाई प्रोफेशनल वो जो बाहर के जो जैसे बड़े बड़े प्लेयर है शॉर्ट टर्म्स के उनके साथ मैं कभी खेला नहीं और मैं खेल भी नहीं पाऊंगा, मेरे को लगता है उनको जो वो लोग जो क्रिकेट खेलते हैं बहुत ज्यादा ही टफ है, मेरे को लगता है ऐसा मैंने देखा है कि अजीबो शॉट मारते हैं, अजीबो क्रिकेट खेलते हैं, मतलब सही में बहुत ज्यादा टफ है वो शॉर्ट टर्म, बहुत ज्यादा टफ है क्रिकेट मेरे हिसाब से। वो लोग चापाटी खेलते हैं, चापते हैं, चाप के निकालते हैं। दो तीन प्लेयर है उनको मैं देखता हूँ यूट्यूब में भी फॉलो करता हूँ, और मेरे यहाँ के है विजय दा, उनको भी मैं फॉलो करता हूँ। वो भैया क्या बोलूं, खेल कैसे लेते हैं वैसे क्रिकेट, इतना टफ क्रिकेट है बताइए होता कैसे है, यही बात है, टफ क्रिकेट है भैया, शॉर्ट टर्म बहुत ही टफ क्रिकेट है। वो तो है, क्रिकेट हमेशा ही कठिन है चाहे वो शॉर्ट हैंड हो या फुल हैंड हो। हाँ बट भैया देखिए हम लोग फुल हैंड खेलते हैं तो फुल हैंड हम लोग को इजी लगता है, बट शॉर्ट हैंड जब भी आप खेलने जाओगे तो वो तो आपको टफ लगता ही है, और है भी मेरे हिसाब से। और एक बात पूछना था, आप क्रिकेट में आने से पहले एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में जॉब करते थे,
तो जॉब करते करते क्रिकेट में फिर से इंक्लूजन कब कैसे हुआ, मतलब कब मन हुआ कि चलो जॉब छोड़ देते हैं, टेनिस क्रिकेट पे फोकस, क्रिकेट खेलते? मैं आपको बताता हूँ कि मैं जॉब करता था भैया, मैं 3 साल तक जॉब किया, मतलब क्या पता है कि मेरे को मेरा जब मैं स्कूल कॉलेज क्या बोलते हैं क्लास में था तो मैच वैच मतलब समझिए कि खेलता था, और मैं सोचता था कि मेरे को मतलब सेल्स में मेरे भैया है वो सेल्स में है तो वो जॉब करते थे तो वो भी मेरे को गाइड करते थे कि तुम ऐसे करोगे कॉमर्स ले लो, ठीक है कॉमर्स लोगे तो आगे चल के अकाउंटेंट बन जाओगे या फिर बिजनेस मैनेजमेंट वो सारा तुम सीखोगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। तो एज ए स्टूडेंट मेरा दिमाग था कि मेरे को फ्यूचर में एक अच्छा मतलब जॉब करना है, ऐसा कुछ करना है। तो मैं देख मतलब जैसे होता है कि आप फोकस करते हो किसी के ऊपर या कहीं भी तो आपका एक टारगेट बन जाता है कि मेरे को वहां पे भी जाना है। तो मैं जब जॉब करता था मतलब कॉलेज में था तो पार्ट टाइम जॉब भी करता था क्योंकि नाइट शिफ्ट था अपना कॉलेज, इवनिंग शिफ्ट था, तो दिन भर मैं क्या करूं, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देता था, करता था जॉब। पहले मोबाइल सेक्टर में जॉब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, उसके बाद मोबाइल सेक्टर से मोबाइल नहीं टैबलेट से मैं स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैं मोबाइल्स में गया, उसके बाद मैं जॉब छोड़ा। उसका कारण है भैया कि मतलब मेरा लाइफ वहीं पे रह जाता था, 10 से घर से निकलो और रात को 10 बजे घर में आओ, तो क्या हो रहा था कोई चेंज ही नहीं हो रहा था लाइफ में, मतलब धोनी जैसे किसी बन गया था। अरे मतलब समझिए भैया मतलब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे संग, मतलब जा रहा हूँ जॉब कर रहा हूँ घर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ जॉब कर रहा हूँ घर आ रहा हूँ, टाइम मेरा वहीं पे खत्म हो जाता था कि करता कर क्या रहा हूँ मैं लाइफ में करना क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही सवाल था ना महेंद्र सिंह धोनी का, कर क्या रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं एक बार अपने भैया से डिस्कस की कि भैया देखो ऐसा ऐसा दिक्कत है कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं कर क्या रहा हूँ, लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्या मेरा, जो मेरे भैया है उनसे। तो मेरा भैया बोला कि करना क्या है, तो मैं बोला कि मैं एक काम करता हूँ, ग्रेजुएशन मतलब चल रहा था मेरा, फर्स्ट ईयर से मैं जॉब करता था भैया, ठीक है, तो ग्रेजुएशन मेरा चल रहा था उस टाइम। तो चलते चलते मैं भैया को बोला कि भैया मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करता हूँ, तो मेरे भैया बोले कि हाँ ठीक है करो, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करो, सारा ट्राई करो। तो मैं जॉब छोड़ा और इसमें घुस गया। अब मेरे को घर से पैसा लेना नहीं था कि मेरे को देखिए घर, अब आप यंग हो गए तो आप घर में से पैसा ले नहीं पाओगे क्या, क्यों अपना कुछ का खर्चा ये वो। तो मेरे दोस्त यार लोग सारे वो टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो मेरे को भी एक आध बार लेके गए तो मैं खेलना स्टार्ट किया, तो उन्होंने मुझे पैसे दे देते थे तो मैं बोलता तो पैसे ये किस बात के पैसे दे रहे हो, तो बोले अरे हम लोग यहाँ पे खेलने आते थे जो जिनका खेलना है उनको पैसे दे रहे। तो फिर वहां से कुछ इनकम आने लग गया और क्या बोले भैया ये तो पैशन है अपना, क्रिकेट तो अपना पैशन है, तो अगर इसमें कुछ इनकम हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि मजा भी आ रहा है, पैसे भी आ रहे हैं और टाइम भी मिल जा रहा है अपना कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने के लिए, तो मैं उसमें कंटिन्यू करता हूँ। तो इसी के वजह से मैं वो सारा जो जॉब था वो अभी छोड़ दिया हूँ, पर अभी भी जो सारे भैया लोग थे मेरे जो मैं जहाँ जॉब करता हूँ वो सारे कॉन्टेक्ट में है कि अरे तुम अभी यूट्यूब में दिखते हो, तुम फेसबुक में सब इतने फॉलो करते हैं, तुम कितना बड़ा तो wallcricket.com पे वीडियोस में देखे जाते हो। हाँ वो तो बात है, वही देखते हैं वही बोलते हैं कि कभी कभी मिलते भी है तो उनको भी प्राउड फील होता है कि मेरा बंदा जो यहाँ पे जॉब करता था आज वहाँ पे सब खेल रहा है, इतने आदमी पहचान रहे उसको, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी उनको भी मैं बोलता हूँ कि आप भी आ जाओ मेरे साथ खेलने चले जाओ नहीं उनका जॉब है क्या करा जाए, यही रीजन है भैया जो मैं आपको बता। एक बात पूछना था आपसे, हाँ जैसे आप बोले कि आप सेल्स के जॉब में थे तो सेल्स में एक टारगेट होता है, हाँ, और क्रिकेट में भी एक टारगेट होता है, जब आप सेकंड बैटिंग करते हो या फर्स्ट बैटिंग करते हो तो भी डिफेंड करना रहता है, वो भी एक टारगेट ही है, टारगेट तो सेट करते हैं। हाँ, तो कौन सा टारगेट चेस करना ज्यादा इजी है, सेल्स वाला या क्रिकेट वाला? क्रिकेट में 10 ओवर में 190-200 चेस करना ज्यादा इजी है या सेल्स का वो टारगेट ला लो, एक महीना में 5 लाख का सेल ला? मेन क्या बात है पता है भी आपको, ये क्रिकेट वाला आपको ज्यादा इजी लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपको मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको खेलने में मजा आ रहा है, और वहां पे क्या है कि आपको डर है कि आपका सेल होगा तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, ये डर है। तो सब डर के ऊपर डिपेंड है कि आप डर किससे ज्यादा रहे हो, यहाँ पे आप ज्यादा डर रहे हो या वहां पे आप ज्यादा डर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तो डर नहीं है तो यही मेरे लिए ज्यादा इजी होगा, सेल वाला तो बहुत ज्यादा डर रहता है कि भैया अगर नहीं हुआ तो मेरा यहाँ से वो हो जाएगा या फिर सैलरी कट जाएगा या सब, तो वो ज्यादा टफ हुआ करता है क्रिकेट चेस करने के मुकाबले। तो अभी हम जो है
राजीव इस शो को क्विज क्वेश्चन राउंड्स में लेके जाएंगे। तीन राउंड रहेगा अच्छा। आपके लिए जैसा रहता है, पहला रहेगा क्रिकेट राउंड जिसमें हम क्रिकेट के सवाल पूछेंगे कुछ, दूसरा रहेगा नॉन क्रिकेट राउंड जिसमें आपके पैशन हॉबीज इन सब चीजों के बारे में थोड़ा हम घूमेंगे सवालों में, तीसरा रहेगा रैपिड फायर, आपसे एक सवाल पूछेंगे ऑप्शंस देंगे नहीं देंगे माथे में जो आएगा एक बारे में बोल देना है क्योंकि रैपिड फायर राउंड है, वो तीसरा है। तो शुरुआत कर रहे हैं क्रिकेट राउंड से, तो पहला राउंड है क्रिकेट राउंड, तो आपकी आज्ञा लेके शुरू कर रहे हैं। हाँ सर शुरू करिए, मेरे को भी बहुत मजा आएगा, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो क्रिकेट राउंड शुरू कर रहे हैं, वो दिख रहा है आपका। पहला सवाल, आप जो है बंगाल में टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, साथ ही जो है बाहर भी खेलते हैं, बाहर के स्टेट्स में मतलब राज्य में, तो बाहर जब जाते हैं या फिर बंगाल में भी पकड़ लीजिए, माहौल कैसा रहता है, मतलब पूरा कमेटी लेके सब कुछ, इवन क्राउड रिसेप्शन सब कुछ लेके माहौल कैसा रहता है दोनों साइड का अगर पकड़े? बंगाल की मैं बात करूँ तो बंगाल का माहौल तो आप जानते होंगे, बंगाल ज्यादा ये है क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा है मेरे को लगता है, बाहर भी है पर बाहर क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है। बाहर में क्या होता है कि जैसे हम लोग खेलने जाते हैं समझ लीजिए राजस्थान गए या कहीं भी गए, वहां पे क्या होता है कि फोकस रहता है कि तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे खेलते हो, बट यहाँ पे क्या आपका कॉम्पिटिटर है, यहाँ पे उसको भी देख रहे हैं आपको भी देख रहे, तो यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा रहता है कि यहाँ पे आपका कंपटीशन है तो आपको यहाँ पे अच्छा से खेलना होगा, अच्छा से सरवाइव करना होगा। और बाहर में क्या है कि आप जा रहे हो वहाँ पे खेल रहे हो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो बस चले आ रहे हो, वहाँ पे वैसा तो हाँ वैसा कुछ बात नहीं है, बट बंगाल में देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और क्राउड रिसेप्शन अगर बोले, क्राउड के छक्का वक्का मारा चिल्लाना विल्लाना वो सब बाहर कितना है और यहाँ कितना है? बाहर जितने सारे ग्राउंड है मेरे को लगता है कि वहाँ पे छक्के कम लगते हैं अच्छा यहाँ के मुकाबले। बाहर के मैं बताता हूँ भैया, बाहर क्या होता है कि मैदान भरे होते हैं तो वहाँ पे जो टीम जीतती है या जो टीम परफॉर्म करती है उसके ज्यादा फैन फॉलोअर रहते हैं, ठीक है, ना कि जो टीम हार गई उसके। यहाँ पे क्या है कि जो टीम हारती भी उसकी जो सपोर्टर है वो उनको छोड़ते नहीं है, हाँ वैसे भी फैन फॉलोइंग है क्योंकि वो रेगुलर देखते हैं कि यहाँ भी खेल रहे वहाँ भी खेल रही है, तो यहाँ पे ज्यादा ही मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ ये बढ़िया चीज है, बंगाल में क्रेज है, क्रेज है। और सबसे बड़ा बात सपोर्ट पहले नहीं था बट अब होने लग गया है, और आपकी आप लोग की वजह से भी है जो कि बंगाल को आजकल सभी मतलब इंडिया में सारे जगह पहचाने जा रहे हैं कि बंगाल से कुछ टीम भी है जो कि बाहर भी खेल पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है भैया मेरे हिसाब से। एक बात और पूछना था, जिस तरह जब सीजन चालू होता है बंगाल में टेनिस क्रिकेट का तो हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है कि कृष्णा सतपुते कब आएंगे, अंकुर सिंह कब आएंगे, या उस्मान पटेल या जितने भी प्लेयर्स हैं, तो ऑफ सीजन जब बंगाल में नहीं होता और बाहर क्रिकेट खेलने आप लोग जाते हैं तो क्या ये बेसब्री से इंतजार वो लोग भी करते हैं कि राज पासवान कब आएंगे, टिल्लू शर्मा कब आएंगे, सरोज प्रमाणिक कब आएंगे? मैं आपको बताता हूँ, मेरे को लगता है कि देखिए बंगाल के बाहर जो भी प्लेयर खेलने जाते हैं वो अगर देखा जाए तो अच्छे कॉन्टेक्ट जिनके वही जा पाते हैं सबसे पहला बात, और वहां के क्राउड मेरे को लगता है कि जिनको आप ज्यादा देखते हो या जिनको आप ज्यादा पहचानते हो उनको आप मतलब क्राउड एज ए क्राउड आप उनको ज्यादा चाहोगे कि वो आए। आप देखिए बंगाल के प्लेयर्स, हाँ बंगाल के प्लेयर्स मैं आपको बताता हूँ इस साल या इससे पहले साल लाइव होने लग गया तो अभी बंगाल के प्लेयर को बाहर में भी पहचाने जा रहे, लेकिन पहले नहीं होता था तो पहले के मुकाबले बाहर के प्लेयरों को ज्यादा सब प्यार करते थे या चाहते थे कि वो लोग आए, है ना। तो अब जो ये होने लग गया है तो मेरे हिसाब से कि अब आगे चल के शायद बंगाल के सारे प्लेयर्सों को बाहर के क्राउड या बाहर अब जो है कि मतलब ये जो चार पांच साल आने वाले है पूरा ग्रो करने वाला है बंगाल टेनिस क्रिकेट। हाँ 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 इसी वजह से मतलब आने वाला है और इसे चाहने वाला है, लेकिन देखा जाए तो बाहर के प्लेयरों को ज्यादा मेजोरिटी है, उन लोगों को ज्यादा मान्यता है क्योंकि वो लोग ज्यादा दिखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है क्रिकेट सब अपनी अपनी जगह खेलते भी है, सब अपनी जगह बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो आपने बाहर भी क्रिकेट खेला हुआ है और बंगाल में भी क्रिकेट खेला हुआ है, तो अब तक जितना भी क्रिकेट आपने खेला है उसमें टफेस्ट बॉलर जो आपने फेस किया अभी तक इंटायर करियर में? टफेस्ट बॉलर इंटायर करियर में जो आपकी नींद उड़ा देता है
कि या फिर उसके खिलाफ खेलना है। ऐसा कोई बॉलर मेरे को नहीं लगता कि नींद उड़ा देगा। हाँ मतलब क्या होता है कि भैया एक टाइम पे वो मतलब ना एक होता है ना, एक होता है कि कोई बॉलर है पकड़ लीजिए जिसको आप देख के मतलब कि चेक करके खेल देते हैं, ओवर निकाल देते हैं, तो वो भी होता है ना कि उसको टॉप बॉलर बोलते हैं। हाँ वो भैया एक टाइम में होता था जब मैं शुरुआत था कि सबके मन में था कि अरे बाबा टिल्लू शर्मा का टीम है या राजदा का टीम है तो इनके ये बॉलर बहुत खतरनाक है ये वो। जब हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो हम लोग को लगता था कि अरे बाबा ये लोग है, इन लोगों को खेलना बहुत टफ है, इन लोग कैसे खेले। फिर जब कंटिन्यू जब आप उन लोगों को खेलने लगे तो अरे ये लोग तो बॉल ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको आप जब टिक कर लोगे तो भैया सब इजी हो जाता है। हाँ एक टाइम में क्या होता है कि अभी लास्ट ईयर जैसे मैं बताया था इससे पहले इंटरव्यू में कि फरमान बहुत अच्छा बॉल किया था तो वो उसको थोड़ा पिक करना थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि वो अच्छे जगह पे अच्छे बॉल कर देता है ना, बहुत कंसिस्टेंट बॉलर है। तो मेरे को लगता है कि वो लास्ट ईयर और उससे पहले ईयर की बात बता दो मेरे हिसाब से वो बेस्ट बॉलर हो सकता है, मतलब जिसको खेलना थोड़ा टफ है, टफ लगता है। हाँ थोड़ा टफ लगता है, बाकी के तो सब ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं वैसे। अच्छा तीसरा जो सवाल रहेगा वो आपके लिए एक विजुअल क्विज रहेगा, आपको एक इमेज दिखेगा अभी उसका आंसर देना है, चार ऑप्शन दिए हुए रहेंगे तो अच्छा। इसके साथ ही जो है दर्शकगण भी जो है इसका आंसर दे सकोगे, आपको भी ये इमेज दिखेगा, आप भी जो है चार ऑप्शन रहेंगे, आप कमेंट करके बता। दिस क्रिकेटर टेनिस क्रिकेटर है, ऑप्शन है सरोज प्रमाणिक, एक दूसरा आशीष अग्रवाल, तीसरा जगत सरकार, चौथा राज पासवान। ये तो आशीष है। करेक्ट जवाब। तो आशीष अग्रवाल को पहचानना क्या इतना आसान है या फिर आपने इतना मारा है उनकी गेंद को कि आपको ऐसे ही याद रहता है, ये तो आशीष अग्रवाल ही है। नहीं नहीं भैया ऐसा बात नहीं है, मतलब आशीष की जो हेयर स्टाइल है उससे उसको पहचाना जा सकता है बहुत इजीली, और रहा बात उसको खेलने का वो भैया वो टाइम टाइम का बात है या दिन दिन का बात है, एक दिन वो अच्छा किया एक दिन मैं अच्छा किया तो ये बोलने वाली बात है कि मैं उसको खेलता हूँ। नहीं लालका वाली इनिंग्स हमने देखी, लालका में आपने आशीष अग्रवाल के यॉर्कर गेंद को सीधा छक्का मार दिया, अब बॉल बाउंड्री के बाहर गई थी, काफी दूर भी गई थी। अरे वो तो छोटे ग्राउंड में कोई बात नहीं, बॉल अच्छा बॉलर तो भैया वो अच्छा ही है, बट बॉलर तो काफी अच्छा है, टाइम पे भी मेरे को भी रन करना था नहीं तो हम लोग हार जाते, उनकी टीम बहुत अच्छी थी। तो आपका चौथा सवाल है, जिस तरह हम लोग आईपीएल में देखते हैं ना कि हर टीम में चार होम प्लेयर रहते हैं और चार विदेशी प्लेयर खेलते हैं, चार विदेशी प्लेयर रहते हैं, सात देशी प्लेयर रहते हैं मतलब होम प्लेयर इंडिया के और चार विदेशी प्लेयर रहते हैं, तो बंगाल टेनिस क्रिकेट में भी ये नियम लागू करना चाहिए कि सात बंगाल के प्लेयर खेलेंगे और चार बाहर स्टेट के। मैं मेरे को लगता है भैया कि बंगाल्स के बॉलरों को ज्यादा मौका नहीं मिलता है ना, क्योंकि बाहर के बॉलर आ रहे हैं और कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि विदाउट बाहर के बॉल आप मैच जीतना मुश्किल है, तो इससे क्या हो रहा है कि बंगाल्स के प्लेयरों को मौका नहीं मिल पा रहा भैया, तो मेरे हिसाब से भी ये होना चाहिए, बंगाल के प्लेयरों को मौका मिलना चाहिए, एक बार नहीं तो कम से कम दो तीन बार तो मिलना ही चाहिए मिलना, नहीं तो भैया इससे क्या होगा कि बंगाल के जितने बॉलर है या प्लेयर है वो बंगाल क्रिकेट ही भूल जाएंगे, वो बाहर के प्लेयर आके यहाँ पे खेलेंगे। मेरे को लगता है ये डीमोटिवेटेड भी होते वो लोग कि खेलने को मिलता ही नहीं है, खाली घुमाना पड़ता है, इधर उधर घूमो। मेन क्या होता है ये बाहर के बॉलर देखिए क्वालिटी बॉलर तो है बाहर के, बट बहुत सारे ऐसे बॉलर है जिनमें कोई क्वालिटी भी नहीं है, वो सिर्फ बाहर के नाम या टैग से आते हैं यहाँ पे खेलते हैं और बंगाल के प्लेयर जो बॉलर जो कि क्वालिटी है उनको चांस नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि वो बंगाल के बॉलर है, इसीलिए। तो मेरे हिसाब से बाहर के बॉलरों को हमेशा ज्यादा चांस बंगाल के प्लेयर्स को देना चाहिए, ऑब्वियसली। जैसे मेरे को लगता है बाहर मुंबई में या दिल्ली में तो मैचेस नहीं होते हैं, मुंबई में मैचेस होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वहां के प्लेयरों को ज्यादा फोकस, मुंबई में मुंबई बेस्ट है वो लोग, महाराष्ट्र बेस्ट है वो। हाँ 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 वहाँ पे ऐसे नियम है, जैसे गांव के टूर्नामेंट्स हो गए तो वो गांव के प्लेयर्स ही खेलेंगे है ना, और बाहर के प्लेयर्स को उतना वो लोग ये मतलब फॉलो नहीं करते ऐसा कुछ। मेरे को भी लगता है कि बंगाल में ऐसा होना चाहिए जिससे बंगाल के प्लेयरों को आगे आने का मौका मिले। अभी कुछ दिन पहले एक टूर्नामेंट होने वाला था जिसमें बाहर के प्लेयर अलाउ नहीं थे, वो कोरोना की वजह से बंद हो गया, ये हम लोग के अपने एरिया में करवाने वाले थे, हम लोग के एरिया के भैया लोग हैं
वो लोग करवाने वाले थे कि बाहर के प्लेयर अलाउ नहीं रहेंगे, सिर्फ बंगाल के प्लेयर होंगे। तो इससे क्या होगा कि अपने एरिया के लड़के या अपने बंगाल के लड़के को मौका मिलेगा, जैसे सरोज भी आगे गया है वैसे और भी जाएंगे, और भी प्लेयर दिखेंगे। और भी मेरे को नहीं लगता कि टैलेंट किसी में कम है, सबको मौका मिलने की देरी है। मौका मिलेगा तब तो वो अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर पाएंगे ना। ये बात है। अच्छा अब हम बढ़ेंगे पांचवे सवाल में, फिर से एक विजुअल राउंड रहेगा, एक इमेज आएगा, आप आंसर दीजिए इसका। ये इंटरनेशनल है ठीक है, तो साथ ही कहना चाहता हूँ कि दर्शकगण जो है वो भी आंसर दे सकते हो, ऑप्शन दिखेगा कॉमेंट कीजिए आंसर दे सकते हो। आइडेंटिफाई द क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर है, युवराज सिंह है, रोहित शर्मा है, एम एस धोनी है, सौरव गांगुली है। थोड़ा कठिन है, मैं इसके फोरम देख के बता सकता हूँ ये युवराज सिंह है। सोच लीजिए आप। हाँ युवराज सिंह, ये वाकई में युवराज है या कोई और है? युवराज सिंह ही है, इनके हाथ में बाला है इनके, और फोरम इतने चौड़े हैं, युवराज सिंह ही है क्योंकि मैं युवराज सिंह को सामने से देखा हूँ। करेक्ट जवाब है, हाथ में बाला है। हाँ युवराज सिंह ही आप है। बढ़िया आंख है आपका। युवराज से सामने से हम भी रूबरू हुए थे जब वो आए थे जादवपुर कैंपस में क्रिकेट खेलने, पंजाब की तरफ से खेल रहे थे, पंजाब वर्सेस बंगाल। बहुत ही देखने में लगता है कि भैया की हाइट कम है लेकिन बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत मतलब ताकतवर है। आपकी आपकी जो बैटिंग स्टांस है वो काफी यूनिक है, मतलब काफी पीछे मूवमेंट भी रहता है। ये सवाल बहुत मस्त है क्योंकि आप शुरू जो करते हो ठीक है लेग स्टंप से रहता है, उठ के आके ऑफ स्टंप पे आ जाते हो। ये बढ़िया चीज है, मतलब चंद्रपोल वंद्रपोल को देखे हम लोग ऐसा करते हुए। तो ये जो आपका बैटिंग स्टांस है ये किसको देख के प्रेरित हुआ है? मैकलम या चंद्रपोल या केपी? मैं फैन हूँ बेसिकली फैन हूँ मैं इस चीज का, मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको बताता हूँ भैया, ये एक्चुअली मैं जब शॉर्ट टर्म खेलता था ना तो ऐसे करने से क्या बॉलर इधर उधर बॉल फेंक दिया करते थे ठीक है। तो मैचेस में जब मैं खेलता था मैच तो ऐसे करता था तो क्या होता था कि बॉलर लोग थोड़ा सा ऐसे ऐसे बॉल करते थे, तो ये करने से मेरे को ये क्या इजी बॉल मिल जाता था मेरे हिसाब से, और ये मेरे हिसाब से सक्सेसफुल भी है क्योंकि जो अभी का अभी देखते हैं सभी को, सभी थोड़ा बहुत ऐसे करते हैं। मैं इम्प्रोवाइज करना कहते हैं। हाँ मैं इंटरनेशनल प्लेयरों को फॉलो करता हूँ तो देखता हूँ कि अगर चंद्र पॉल हो गया, पीटरसन हो गया, या फिर डिविलियर्स को देख लो भैया। हाँ डिविलियर्स को देख लो, अजीबो गरीब एक तो स्टंप में मारते, तो उससे क्या होता है कि आप स्टंप बॉल इजी हो जाता है। तो मैं भी ये फॉलो किया और ये अभी टेनिस क्रिकेट में मैं यूज करता हूँ तो इससे मेरे को फायदा होता है। सभी बोलते हैं कि ना, मगर एक और है इस पे, एक बात है कि आप जब मतलब उठ के, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ ठीक है आपको, इस स्टंप्स को मैं बहुत फॉलो करता हूँ आपका। अब क्या है कि आप जब लेग स्टंप से ऑफ स्टंप पे उठ के आते हो ना, ऐसे ही टेनिस क्रिकेट में क्या है कि लेग ज्यादा इजी हो जाता है, इससे हाँ। क्या आपके ऑफ साइड में थोड़ा वो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है उठाने में या फिर निकालने में? थर्ड मैन दिशा तो निकलेगा ही नहीं अगर देखा जाए, तो ऐसे कट करना पड़ेगा ना बॉल को और थोड़ा। नहीं नहीं भैया देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसी से हम लोग थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो शॉट होता है, जो क्रिएट होता है वो इससे ही होता है, है ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट इससे ही दिखता है कि मैं ब्लॉक बॉल को भी ऑफ स्टंप में आरती मार दूंगा तो छक्का हो जाएगा। और बंगाल्स के कितने बड़े मैदान है कि ज्यादा पावर लगाने की जरूरत है, तो इससे एक नया शॉट निकलता है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सभी बोलते हैं। तो राज जी अब शुरू करेंगे नॉन क्रिकेट राउंड जिसपे अब क्रिकेट भूल जाइए, क्रिकेट खत्म, अब हम बात करेंगे आपके पैशन वैशन के बारे में, घूमेंगे इधर उधर सवालों के माध्यम से। तो नॉन क्रिकेट राउंड शुरू करते हैं। और नॉन क्रिकेट राउंड का पहला सवाल है, नॉर्मली दुर्गा पूजा देखते हैं आप कोलकाता में रहते हैं, दुर्गा पूजा देखते हैं? हाँ मैं दुर्गा पूजा देखता हूँ, घूमता हूँ, बहुत मजा आता है। तो इसपे ही सवाल रहेगा, इसपे ही सवाल रहेगा क्योंकि आप नॉर्थ कोलकाता से बिलोंग करते हैं और नॉर्थ कोलकाता और साउथ कोलकाता का दुर्गा पूजा कल्चर एकदम डिफरेंट है, पता ही होगा आपको। तो आपको कौन सा ज्यादा पसंद है कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो नॉर्थ कोलकाता का एनरिच पूजा होते हैं
ना कि ज्यादा तो साउथ कोलकाता में हमारा जैसे कि थीम पूजास होता है वो पसंद है। बेसिकली भैया मैं बताऊं वो थीम जो होता है वो ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि मतलब आप कुछ चीज रियलाइज कर पाओगे या कुछ समझ पाओगे वहाँ के जो सभ्यता व्यवता है या फिर वहाँ की जो सब कुछ बात होती है वो सारे आप समझ पाओगे, एज ए थीम के थ्रू आप सब जान पाओगे। तो मतलब आपको साउथ कोलकाता के कॉन्सेप्ट पसंद है ज्यादा? हाँ, वहाँ पे थीम के थ्रू आप बहुत कुछ समझ पाओगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो दुर्गा पूजा इनकम्प्लीट रहती है अगर आप मैडॉक्स स्क्वायर में बैठ के दोस्तों के साथ अड्डा नहीं मारे तो। जाते हैं मैडॉक्स स्क्वायर। मैं आपको बताता हूँ भैया, हम लोग दुर्गा पूजा में क्या करते हैं कि अपनी जितनी सारी दोस्त यार है वो लोग बाइक से घूमते रहते जहाँ तहाँ जैसे तैसे, और जब सब सारे थक जाते हैं उसके बाद एक जगह जाते हैं वहां पे बैठ के पूरी रात पर अड्डे मारते हैं। बस ऐसे ही हम ये दुर्गा पूजा करती है भैया। तो जाता हूँ भैया मैं सब जगह ही जाता हूँ, बट बताना क्या सब जगह ही जाता हूँ, अच्छा लगता है सब जगह। मैडॉक्स स्क्वायर भी जाता हूँ, मतलब पंडाल नहीं घूमता हूँ, मतलब पंडाल वंडाल में नहीं घूमता हूँ, मतलब दोस्तों के साथ घूमता हूँ बाइक से इधर उधर, मतलब लॉन्ग ड्राइव की तरह हो जाता है। हाँ 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 वैसे ही। तो मुड़ते आप आपके दूसरे सवाल से। हाँ, शॉपिंग करते तो हैं आप, शॉपिंग सब कोई करता है, तो शॉपिंग करना कहाँ पे पसंद है? शॉपिंग मॉल्स में या फिर लोकल मार्केट जैसे धामतला न्यू मार्केट है या फिर खिदिरपुर में जो फैंसी मार्केट है? मतलब तीन ऑप्शन है आपका, एक है शॉपिंग मॉल, दूसरा है एस्प्लेनेड, तीसरा है खिदिरपुर। एस्प्लेनेड में तो न्यू मार्केट है। मैं आपको बताता हूँ, शॉपिंग्स मैं जब करने जाता हूँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ तो वो हमेशा खिदिरपुर लेके जाते हैं। वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो वहां ही पे शॉपिंग करता हूँ। और मतलब फ्रेंड मिल जाते हैं किस तरीके का, मतलब हलचल लाना बदनाम टाइप का हलचल? प्रकाश हो गया, सारे मिल जाते हैं वहाँ पे, बहुत ज्यादा मजा आता है। विकास हो गया, ठीक है, तो उन सारे दोस्तों से मिलता हूँ। और क्या पता भैया ये इससे क्या होता है कि एक मिलने का मौका भी मिल जाता है, साथ में जाके मिल जाता हूँ, तो मेरे को वहाँ जाना ज्यादा अच्छा लगता है कि एक काम के थ्रू गया दोस्तों से मिल गया, ये बहुत अच्छा लगता है। और उनको भी अच्छा लगता है कि राज आया उतना दूर से मिलने के लिए, तो अच्छा लगता है उनको भी। और रात भर उनके साथ रहता हूँ, फिर बाइक से अपने आ जाता हूँ, फिर मजे करते हूँ। और तो तीसरा अभी सवाल तो हो नहीं पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, अभी कुछ नहीं हो पा रहा है भैया, क्या बताऊँ। जितना जल्दी हो सके COVID-19 खत्म हो जाए। हाँ, जब तक हो सके ये खत्म हो जाए, और क्या प्रे कर रहा हूँ भगवान। हाँ वही बात है। तो तीसरा सवाल जो रहेगा, तीसरा सवाल आपके लिए नॉन क्रिकेट राउंड पे एक विजुअल क्वेश्चन है। अच्छा, नॉन क्रिकेट है तो रेडी रहिए इसके लिए। तो अभी आपको इमेज दिखेगा और दर्शक लोग भी इसका आंसर दे सकते हो। आपको इमेज दिखेगा, चार ऑप्शन बताइए। आइडेंटिफाई दिस एक्टर, एक निरोवा, दूसरा पवन सिंह, तीसरा खेसारी लाल, चौथा रवि किशन। ये तो अपना फेवरेट सिंगर है, हीरो तो है, सिंगर है, खेसारी लाल जी है, बहुत बहुत पसंद करते हैं उनको, इनका गाना वाना सब सुनता हूँ, बहुत मजा आता है। सही जवाब। और ये अपने एक प्लेयर है, एक और प्लेयर है जो यही के है, दीपक जिया, उनकी तरह लगते ही है पूरे। हम लोग दीपक जिया को बोलते भी है कि आप खेसारी लाल की तरह लगते भी है पूरे, और उनकी तरह दिखते भी है। ये जब आपके फेवरेट है तो इनका एक गाना अगर आप गाएं तो अच्छा लगेगा। अरे इनके एक दो गाने हैं जो कि मतलब 18 प्लस कैटेगरी के आते हैं, तो क्या बताऊं मैं। ठीक है, 18 प्लस वाला नहीं, जो बिलो 18 प्लस वाला वही गा दीजिए, एक लाइन या दो लाइन ही गुनगुना दीजिए। अभी अभी कुछ दिन पहले उनका वो क्या बोलते हैं गाना नहीं निकला था, क्या याद नहीं आ रहा, मतलब मैं बता रहा हूँ, अरे जो क्या बोलते भोजपुरी गाना है, मैं सुनता तो हूँ बहुत इनका, याद नहीं आ रहा फिलहाल। भोजपुरिया गाना चलता है मेरे घर में, मतलब हम लोग एक्चुअली बंगाली अपार्टमेंट में रहते हैं तो उतना कोई चलता नहीं है, मतलब मैं कभी कभी सुनता हूँ इनके गाना, ये फेवरेट है मेरे। थोड़ा बतिया दोगे का रे, थोड़ा भोजपुरिया हो जाए का। तो एक सवाल कर ही देते हैं। हाँ, एक अगला सवाल जो है आपका भोजपुरी में आता है,
सिनेमा देखे तो पसंद हो ही रौरा के, तो सिनेमा दोस्तन दोस्तन जोड़े थिएटर में जाके देखी ला या परिवार के साथ घर पे बैठ के? दोस्तन के जोड़े थिएटर में जाके देखी ला होता बहुत ज्यादा ठीक लगे ला। अच्छा वही अलग अच्छा मजा हुआ दोस्तन जोड़े देखे के, अलग मजा हुआ दोस्तन के जोड़े देखे के, अलग ही मजा हुआ, ज्यादा मजाक होला घर में वैसे मजा ना। तो नेक्स्ट सवाल जो हम जा रहे हैं वो है कि अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है मतलब जो क्रिकेटिंग लाइफ और अपना पर्सनल लाइफ जो है उसको आप कैसे बैलेंस करते हो? मैं आपको बताता हूं सीजन के समय, स्पेशली सीजन के समय, सीजन में आपका व्यस्तता और बढ़ जाता है, आप घर व्यस्त ज्यादा हो जाता है। सीजन में क्या होता है कि मेरे जो मेरे घर वाले हैं या जो मेरे घर वाले बेसिकली हैं वो उनको पता है कि सीजन में रहते नहीं है घर में, तो वो उनसे मेरा वो खुद मैनेज हो जाता है भैया, वो उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद मतलब वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं सीजन में। ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं करेंगे भैया अगर टेनिस क्रिकेट में तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। खासकर मैं अपने भैया को बोलूंगा, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, वो एक्चुअली क्रिकेटर हुआ करते थे बट जॉब के चक्कर में क्रिकेट विकेट छोड़ दिए, तो अब मैं ट्रॉफी व्रॉफी घर में लाता हूँ या फिर ऐसा कुछ आता है तो वो ज्यादा एक्साइटेड होता है कि हाँ कि कुछ वही होता है, तुम ट्रॉफी कहाँ से लेके आए, क्या किया, कितना रन किया, कितने ये हुआ, किससे मैच था, ये वाला वीडियो लाइव नहीं हुआ था, मैं नहीं देख पाया, ऐसा कुछ वो ज्यादा वैसे मतलब सर्च करते हैं ये सब। वैसे आपके बारे में अगर जानकारी लेनी होती है तो आपके भाई हैं आदित्य मैक्स, उनसे काफी हमें क्या किसी को भी आपके बारे में कुछ ना कुछ जो भी खबर लेना हो उससे मिल जाता है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, वो बहुत हेल्प करता है। आदित्य अच्छा लड़का है एक्चुअली, वो क्रिकेट को बहुत चाहता है और उसको मैं अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ, अच्छा लड़का भी है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा लड़का है और जब भी आता है बहुत ही एक वो भी मेरे को बड़े भैया की तरह मानता है, इसलिए भैया क्या बताऊँ मैं भी उसको अपने भाई की तरह ही मानता हूँ, कोई भी दिक्कत होता है तो फिर वो मेरे को बोलता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम मेरे को होता है तो मैं उससे शेयर करता हूँ कि आदि ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या करना चाहिए, तो मुझे बहुत जगह सजेस्ट भी करता है, अच्छा लड़का भैया, बहुत अच्छा फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपका जो आखिरी सवाल है वो ये है कि राज पासवान अपने गुस्से को कैसे काबू करते हैं, क्योंकि हमने आपको फील्ड पे कभी गुस्सा फील्ड के बाहर भी गुस्साते नहीं देखा है, मैं जब भी देखा है हंसते मुस्कुराते सबसे मिलते हैं, तो फील्ड पे कभी गुस्सा आता है या ऑन फील्ड कभी भी? भैया गुस्सा आता है पर क्या किया जाए, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो वो उस टाइम पे थोड़ा गुस्सा होता है, वो मेरे टीममेट्स को पता है कि नहीं गुस्सा होता है, फिर बाद में क्या होता है कि जो हमारे टीम के एक एग्जांपल दे देता हूं, स्वीट इलेवन के साथ आपका मैच है, हलचल ने 6 छक्का लगा दिया, गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आने का तो बात है कि तुम 6 छक्का खा गया और वो हलचल है, वो मार भी सकता है, कोई बात नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है, पर बॉलर लोग को थोड़ा देखना होगा कि तुम 6 छक्का कैसे खा सकते हो, तुम भी तो एक लेवल पे खेल रहे हो, वो भी लेवल पे खेल रहा है, तो तुमको अपना बेस्ट देना होगा, तो ये मैं बताता हूँ, गुस्सा नहीं होता हूँ, समझाता हूँ कि देखो वो भी ऐसा है, आप भी वैसे हो तो आपको भी अच्छा करना होगा, गुस्सा तो हम लोग के ओनर होते हैं जो मैच हारने के बाद फायर हो जाते हैं सबके ऊपर, फिर ठंडे भी हो जाते हैं, वो कोई बात नहीं है, तो गुस्सा कंट्रोल हो जाता है भैया, वो मेरे 2-3 दोस्त है, मिठुन हो गया या फिर अपनी टीम का मुकेश हो गया, उन लोगों के साथ बात करके सारे खत्म हो जाते हैं, मैच खत्म, गुस्सा खत्म, सब खत्म, बढ़िया ऐसा। तो इसी के साथ जो है नॉन क्रिकेट राउंड समाप्त होता है, अब हम बढ़ेंगे रैपिड फायर राउंड में, अब ये लास्ट राउंड है रैपिड फायर राउंड में, ऐसे सवाल आएंगे, ऑन स्लॉट सवाल आएंगे, ऑप्शन भी हम देंगे, कभी कभी नहीं भी देंगे, आपके माथे पे जो भी आंसर आ जाएगा वन एक इंस्टेंस पे दे दीजिएगा आंसर, तो बताते हैं रैपिड राउंड स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल रहेगा कि अगर आपके सामने रसगुल्ले का एक भार रखा जाए और एक साइड में मिष्टी दोई, तो कौन सा आप लोगे, कौन सा खाना करूंगा? जवाब बांग्ला में दे, रसगुल्ला और मिष्टी दोई बंगाल की चीज है, बांग्ला बोलते गेले आमी मिष्टी दोई प्रेफर करबो, क्योंकि ओटा
खावा इजी टू ईट है सबाई जाने रसगुल्ला रसगुल्ला ठीक है लेकिन मीठा दे ज्यादा इजी टू ईट है तो ওইটাই আমার খুব ভালো লাগে মিষ্টি তো আমার খুব ভালো লাগে পছন্দ ওইটাই আর এমনি যে রসগোল্লা তো এই যে মানে ঘরে বা বাইরে হ্যাঁ মানে বেঙ্গলি ফুড কালচার কি আছে যেরকম আমরা মানে আমি অ্যাজ বাঙালি বলছি যে নরমালি আমরা যেরকম খাই ওরকম খাও কি হ্যাঁ আমার একটা দিদি আছে যে যখন তখন মানে মানে একটা দু তিনটে বেঙ্গলি আইটেম আছে ওইগুলো বানিয়ে আমাদের পাঠায় বা আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের রান্না করে দেয় আচ্ছা হ্যাঁ তুমি তো বললে তোমাদের আশেপাশে পুরো বেঙ্গলি হ্যাঁ পুরো পুরো মানে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে মানে আমাদের 400 ফ্ল্যাট আছে আমাদের আমরা যেখানে থাকি তার মধ্যে কে আমরা ম্যাক্স টু ম্যাক্স 10টা ফ্যামিলি হব যেটা নন বেঙ্গলি বাকি সবাই নন বেঙ্গলি আছে তার মানে কালচারের সাথে আছে মানে ফুড কালচার পুরো আছে হ্যাঁ তাই জন্য আমরা মাছ ভালো লাগে দিদি আমার কি একটা চিংড়ি মাছের কি একটা হয় মালাইকারি বানা দেতি হ্যাঁ ভাইয়া ক্যা বতাও ও জো টেস্টি লাগতা হ্যা শায়দ হি কোই মাছলি খানে মে টেস্টি লাগতা হ্যা উতনা আচ্ছা লাগতা বলা অর এক ক্যা হোতা হ্যা ইলিশ কা ক্যা বানতা হ্যা ভাইয়া ইলিশ মাছলি কা ক্যা ভাপা ইলিশ বানতা হ্যা ভাপা সরষে ইলিশ হ্যাঁ ভাইয়া केला के पत्ता में डाल के ना तो ना उससे ही बनता है बापरे जानो तो तुम्ही अनेक किछु जानो तो जानबो ना हमार पाड़ाय सब बेंगली आछे आमिओ बेंगली भेबे ना एकटा बेंगली कर तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल के लिए रैपिड राउंड का इमेजिन कीजिए एक दिन आप एक रात को आप सोते हैं और अगले दिन सुबह जब आप उठते हैं तो आप राज पासवान नहीं बल्कि हलचल रनावत है तो आप क्या करेंगे उसी दिन मैच है पकड़ लीजिए उसी दिन मैच है पकड़ लीजिए राजनंदिनी का मैच है राजनंदिनी कप है कुछ सोचने का नहीं हलचल अगर मैं हूँ तो मैं सुबह पहले जाऊंगा मैदान में 5 बजे भोर में उतर के मैच खेलूंगा 10 बजे तक उसके बाद कोई गाड़ी आया लेने या फिर वैसा है कि कोई ओनर मेरे को घर से पिक कर रहा है तो ही मैं जाऊंगा वरना मैं नहीं जाऊंगा ठीक है फिर वो मेरे को पिक करके मैदान लेके जाएगा खिलाएगा फिर वापस से मैच हम लोग जीतेंगे और अगेंस्ट टीम कोई बात नहीं है कोई भी है मेरे को उतर के मारना है एज ए हलचल कौन है कोई बात नहीं है कौन है कोई दिक्कत नहीं है मैं खेल रहा हूँ तो मैं ही हूँ बस और मतलब बिंदास बिंदास एकदम एकदम बिंदास कोई डर नहीं कोई फिक्र नहीं जो होगा देखा जाएगा हलचल का मेंटालिटी क्या है कि मेरे को बैट मिल गया अगेंस्ट में कोई भी हो मेरे को छक्का मारना है बस अच्छा वीरेंद्र सहवाग वीरेंद्र सहवाग वो हम लोग एक साथ रहता है या हम लोग जब एक साथ खेलते हैं तो हम लोग के बीच में यही डिस्कस होता है कि कौन ज्यादा छक्के मारेगा ऐसा कंपटीशन कौन ज्यादा छक्के मारेगा अगेंस्ट में कोई भी हो अभी हाल ही का बता रहा हूँ कोई जाता नहीं है कोई भी अभी हाल ही का बता रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले हम लोग टाके खेलने गए थे साथ में तो अगेंस्ट में अच्छी टीम थी तो वो भी 90 में था मैं भी 90 में था ठीक है और बाकी था 2 ओवर तो मैं बोला कि मैं ये ओवर खेलता हूँ अगर मैं सेंचुरी मारा तो ठीक है वरना मैं वो बोला कि मैं सिंगल नहीं लूंगा ऐसे तो मैं सेंचुरी मारा लास्ट बॉल सिंगल का था बोला नहीं मैं नहीं लूंगा फिर वो गया वो भी सेंचुरी मारा बात खत्म दोनों सेंचुरी नॉट आउट 0 विकेट 223 / 224 रन बढ़िया अगेंस्ट टीम हार गई वैसे ही गया वो भी बहुत ऐसे ही हारेगी कूल माइंडेड है वो तो हारेगी ना एक तरफ हलचल एक तरफ राज पासवान तीसरा सवाल जो रहेगा इसका आंसर अभी हम लोग को पता है फिर भी पूछ लेते हैं कि ट्रैवल कर रहे हो ट्रैवल करने में क्या प्रेफर करोगे बाइक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस ट्रेन इंडिया बाइक ये पता था बाइक में राइड करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दुर्गा पूजा के वाला सवाल पे ही आपने बोल दिया कि बाइक राइड आपको बहुत पसंद है बाइक में घूमने का मजा ही अलग है भैया वो भी विदाउट हेलमेट विदाउट हेलमेट विदाउट हेलमेट पुलिस नहीं पकड़ती पुलिस तो पकड़ लेगी फाइन कर देगी भैया वही तो आपका वो क्या बोलते हैं एडवेंचर है कि पुलिस पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी अच्छा फिर भी सेफली ड्राइव करना चाहिए हेलमेट पहन के हाँ वो तो बात है हेलमेट तो मैं पहनता हूँ लेकिन दुर्गा पूजा के टाइम में वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है तो आपका आखिरी अगला सवाल जो है वो ये है कि मैं आपको 3 एक्ट्रेस के नाम बोलूंगा बॉलीवुड एक्ट्रेस
और आपको बोलना है, और आपको बोलना है कि किसके साथ आप रिलेशनशिप में रहोगे, किसके साथ आप किस करोगे एंड किसके साथ आप मैरी करोगे। अच्छा ठीक है, सोनाक्षी सिन्हा। मैं बताता हूँ भैया, मेरा मेंटेलिटी जो है, मैं कोई एक के साथ ही रिलेशन रखूंगा, किस करूंगा या उसके साथ ही शादी करूंगा, कोई एक। ये इमेजिनेशन है। तो अगर अच्छा ठीक है, तो तीन अगर मैं हम ऑप्शन दे तो उसमें से नाम बताता हूं, हो सकता है बताइए। हाँ, कियारा आडवाणी, सोनाक्षी सिन्हा और तीसरा है आलिया भट्ट। सोनाक्षी सिन्हा ही होगी क्योंकि वो उसकी आंखें बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी अच्छा लगती है। तेरे मस्त मस्त दो ने मेरे दिल का ले गए छे, मेरे दिल का ले गए छे। दबंग मतलब दबंग राज पासवान सोनाक्षी के सामने फिसल गए। हाँ, और यहाँ पिघल गए आप। अच्छा, अब जो इस राउंड का लास्ट सवाल आपके लिए फिर से एक विजुअल क्वेश्चन है, देख लीजिए सवाल को, रैपिड फायर राउंड का सवाल है। ऑडियंस को भी कह देते हैं कि आपके पास भी जो है क्वेश्चन आ जाएगा और ऑप्शन चारों आ जाएंगे, आप भी बता सकते हो कमेंट में। गेस द क्रिकेट ग्राउंड, पहला बाकरा, दूसरा लायल का, तीसरा नंदनी, चौथा राजनंदनी। ऑप्शन ये मेरे फेवरेट ग्राउंड में से एक है भैया, लालका का ग्राउंड है। पहचाना कैसे वो बताइए, ऐसे तो आप खेल चुके हो, हमने एक तरीके से पहचाना इसलिए पूछ रहे हैं। मतलब मैं इस साल बताता हूँ, उस साल का ग्राउंड का जो ग्रास था उसका डिजाइन वैसा था। यही बताने वाले थे हम भी। और रहा बात वहाँ पे जो बिल्डिंग है और जो नेट लगे हुए, उससे भी पता चलता है कि वो लालका का ही है। तो लालका आपका फेवरेट ग्राउंड है आपने कहा। हाँ। लालका में आपने दो शतक मारे हैं, एक तो इस साल मारा है हलचल के खिलाफ, स्वीट 11 के खिलाफ, और एक पहले भी मारा है आपने। तो एक बात जाननी है कि इस साल जब आप स्वीट 11 के खिलाफ खेल रहे थे और 128 रनों की पारी खेली 40-39 गेंद में, तो ये नॉर्मल इनिंग्स थी या राजनंदनी कप में जब हलचल की टीम आपके अगेंस्ट खेल रही थी और एक हारा हुआ मैच जीत के चली गई आपके हाथ, आपका जीता हुआ मैच था वो, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें उनके टीम को 31 रन पे 4 या 5 विकेट गिरा दिए थे और फिर शाहबाज और आयुष पाल ने खेल के मैच को निकाल दिया, तो उस मैच का बदला खुन्नस निकाल रहे थे लालका। देखिए भैया, क्या होता है कि हलचल या उनकी जो टीम के ओनर है रिंकू दा, वो सारे ऑफ द फील्ड मेरे दोस्त है, लेकिन इन द फील्ड वो सारे मेरे राइवल्स है। तो अगर वो अपने को हराते हैं तो अपना भी फर्ज बनता है उनको हराना, क्योंकि वो भी प्लेयर है, अपने भी प्लेयर है। तो वो भैया एक रिवेंज टाइप आप समझ लो, अगर देखा जाए तो, कि वो हमको बड़े टूर्नामेंट में हराए तो मेरे को भी उनको बड़े टूर्नामेंट में ही हराना था। तो वो भैया वहां पे हम लोग प्लानिंग किए हुए थे कि अगर 180 के अबव रन होगा तो प्रेशर होगा, और वही हुआ, और मेरा एक कैच भी छूटा था, तो मेरे को लगता है कि वो मेरा गुड लक था और मैं वहां पे अच्छा रन कर पाया, ये मेरे टीम के लिए छक्के लगे, अच्छा हुआ। हाँ, तो मैं जीता तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ और मेरी टीम के लिए भी अच्छा हुआ, और वो एक टाइप का रिवेंज भी था, क्योंकि भैया कोई अगर हरा देता है तो अपने को भी खराब लगता है, बड़ी टूर्नामेंट है राजनंदनी लालका, तो वहां पे भी सबको जीतना है, सबको ट्रॉफी लेना है, यही बात है। तो इसी मारना भी था, मारना भी था क्योंकि ओपोनेंट में हलचल यादव थे जो कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, कि कभी भी किसी को भी कैसे भी हरा सकते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा जो राउंड का सिलसिला वो खत्म होता है, तो आपसे जो है फीडबैक जानेंगे, फीडबैक के कैसा लगा शो में आके, कैसा है ये शो। मैं आपको बताता हूँ भैया कि ये जो आप कॉन्सेप्ट है आपका, ये मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा है, क्योंकि आप सिर्फ क्रिकेट को लेके नहीं बात कर रहे हैं, आप ऑल ओवर सब कुछ के लेके बात कर रहे हैं, कि मतलब आपके लाइफ में क्या हुआ या कैसे क्या हुआ या आगे का क्या होगा या सब कुछ, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। और मैं बोलता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए इंटरव्यू, मतलब हमारा भी जो है मिशन था, जब हमने सोचा था, ये सोचा था कि टेनिस क्रिकेटर है तो सिर्फ टेनिस क्रिकेट पे बात ना करें, उसके पूरे जीवन के बारे में जाने, क्या है क्या नहीं, इस तरीके का,
कि राज पासवान अगर सुबह उठ के मतलब ब्रश करने जाता है तो कुकुर पार में ब्रश करने जाता हो, तो जाने सब जानना चाहिए। मेन क्या होता है कि पता, ये बहुत सारे मेरे फैंस हैं, वो सिर्फ मुझसे क्रिकेट के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि भाई कि आप जहाँ भी हो या कुछ भी हो या कैसे भी हो, आप पहुंचे कैसे। हाँ, कि भैया ये कैसे हुआ, वो कोई नहीं पूछता। बट पूछता है कि भैया मैं आपकी तरह खेलना चाहता हूँ या मुझे मौका चाहिए। तो मौका भैया सबको मिलता है, सबको अपने आप को परफॉर्म करना होता है, अपने जगह में खेलना होता है, तो आपको आगे जरूर जाने का मौका मिलता है। तो वही बोलना था, और ये सबसे बेस्ट है कॉन्सेप्ट आपका, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि आप और भैया मिलके जो कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि बंगाल्स के प्लेयर या बंगाल्स की टीम या आने वाले काल में बंगाल्स के सारे प्लेयर आगे दिखेंगे, बाहर खेलेंगे, बाहर खेल पाएंगे और अपना नाम करेंगे, साथ ही बंगाल का नाम करेंगे। यही सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। थैंक यू तो प्यार देने के लिए। नॉर्मली जो हम अगर इस शो में इस तरीके से नहीं मिलते, पकड़ लीजिए हम तो ऑनलाइन मिल रहे हैं, अगर हम नॉर्मल शो होता है, इंटरव्यू जैसे होता है, कैमरा वैमरा लगा के उस तरीके से एक साथ बैठ के बात करते, तो हमारे तरफ से क्या होता है, गिफ्ट रहता। मगर हम दूर है तो हमने एक गिफ्ट रखा है आपके लिए भी, बनाया है अपनी तरफ से, तो वो दिखाते हैं आपको। दिखाइए तो ये देखिए, वी लव द प्रिंस ऑफ बंगाल टेनिस क्रिकेट, लव यू राज पासवान। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये आपका प्यार है, आपका क्या बताऊं, मेरे को ये गिफ्ट सबसे बड़ी बात है। गिफ्ट की जरूरत नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है कि कोई अपने को चाहता है, यही सबसे बड़ा बात है। तो दोस्तों इसी के साथ एक बात कह देना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए theworldcricket.com को और बेल आइकन को प्रेस करिए। बंगाल टेनिस क्रिकेट के जितने प्लेयर है उनके बारे में और उनके बारे क्रिकेट को जानने के लिए। थैंक यू। तो जो लास्ट कह देना चाहता हूँ, आप रहिए मैं हमारे साथ, तो दर्शक लोग से कह देना चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताएं हमें आपकी प्रतिक्रिया, जो है आपका व्यू फीडबैक हमें दें, वो बहुत जरूरी होता है। और किसे नेक्स्ट देखना चाहते हो आप जरूर बताएं हमें, जैसे कि आज राज पासवान आए थे, अगर राज पासवान को भी कुछ सवाल करना है कॉमेंट करके जरूर बताएं, हम उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको रिप्लाई देंगे। और शेयर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों के बीच में, मजा लूटिए। बात और बोलना था राज जी, जाने से पहले अपने फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज? अभी लॉकडाउन भी है तो लॉकडाउन में कैसे रहे वो लोग, सेफ रहे ताकि कुछ हो ना जाए। एक मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अभी जितना हो सके आप अपने और अपने फैमिली को सेफ रखें, और क्रिकेट तो होगा वो फ्यूचर में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहला बात अपने आप को सेफ करो, अपने घर वालों को सेफ करो। प्रैक्टिस मैटर नहीं करता, अगर आप खेलते हो या टूर्नामेंट्स आते हैं तो आप एक हफ्ते या दो हफ्ते में आप अपने आप को वैसे तैयार कर लोगे, लेकिन अगर ये जो COVID-19 का टाइम चल रहा है अगर कुछ होता है तो फिर बहुत ही दिक्कत होगा, और साथ में अपने फैमिली वालों को भी दिक्कत होगा। तो आप अपने आप को सेफ रखो, घर में रहो और सेफ रहो, यही मैसेज देना चाहूंगा मैं। तो इसी के साथ जो है आपका होस्ट और दोस्त किशोर कुमार बैनर्जी, मेरे सह होस्ट आदित्य कुमार पांडे, तो मेरी तरफ से अलविदा। तो हमारे और गेस्ट जो है राज पासवान सबके तरफ से अलविदा। थैंक यू राज पासवान जी आने के लिए शो। थैंक यू आदित्य भैया, किशोर भैया, थैंक यू।